नमस्कार, जय बाबरी, जय रामसा पीर की जय हो। और अबार आप देख रहा हो, मैं हूँ रामदेवरार महीने। और रामदेवरार महीने आपने ये वीडियो और महीने संपूर्ण बाबा रामदेव जी रा धामरा दर्शन मिलेला। आप कई बार रामदेव रावो मनठा है दर्शन करने वास्ते, और इन बार लॉकडाउन के कारण आप भादवे में रामदेव नहीं आ पाया, लेकिन इन वीडियो और महीने आपने पूरा रामदेव रे दर्शन मिलेला। मैंने रामदेव रे घना ही दर्शन करने आवे, लेकिन रामदेव रे महीने रामदेव जी रे समाधि रे दर्शन करो और बे पाचा जाता रे पाने रामदेव जी रे समाधि रे दर्शन। और जटे रामदेव जी रोने चेर महीने बार रामदेव जी रो घर है बारा दर्शन, परचा नाडी रा दर्शन, राम सागर रा दर्शन, और खूब सारा दर्शन आपने इस महीने मिलेला। और संपूर्ण रामदेव जी री धामरा दर्शन आपने इस वीडियो और महीने मिलेला। आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं विश्व प्रसिद्ध रामदेव जी का जो मंदिर बना हुआ है रामदेवरा, जैसलमेर जिले के अंदर है और लोक देवताओं में सबसे प्रसिद्ध रामदेव जी है। और ये आप देख रहे हैं रामदेवरा, जो बाबा रामदेव जी की समाधि के स्थल पर जो मंदिर बना हुआ है, इनके भव्य दर्शन कर रहे हैं। ये मुख्य मंदिर है और प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर कोरोना काल के कारण भीड़ बहुत कम है, बाकी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग लाइन में खड़े रहते हैं और उनको दर्शन करने के लिए जगह नहीं मिलती। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ रहती है बाबा रामदेव जी के मंदिर में। और आइए, ये आप अभी दर्शन कर रहे हैं, मुख्य मंदिर के पास में पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लाइन लगी रहती है, भक्तों की भीड़ रहती है, और कहा जाता है इतनी भीड़ होती है कि यहाँ आने के बाद में भी आपको दर्शन नहीं होते, लेकिन आप ये सीधा दर्शन कर रहे हैं। राजस्थान जर्नी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये देखिए समाधि स्थल पर बाबा रामदेव जी की मूर्ति, और कितने सुंदर आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और लोगों तक बाबा रामदेव जी के दर्शन पहुँचाएँ। कोरोना काल के बाद में पहली बार ये देखिए आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं बाबा रामदेव जी के दर्शन, और उनके बाद में ये मंदिर के अंदर देखिए बाबा रामदेव जी से जीवन काल से जुड़ी हुई हर एक चमत्कार, हर एक घटना यहाँ पर प्रकाशित की हुई है। तो मैं आराम से देख रहा हूँ, और इनके यहाँ जो अवतार हुआ है वो सारे यहाँ बताए हुए हैं। और यहाँ पर हमेशा डाली बाई के यहाँ पर सत्संग चलती है, ये मुख्य मंदिर है, वहाँ सामने हमेशा सत्संग है। और ये डाली बाई का जो कंगना है, इसके नीचे से बताया जाता है जो निकलता है उसके पाप दुख कर्म दूर हो जाते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है। हर कोई आता है तो यहाँ से जरूर निकलता है, और जो पापी होता है बताया जाता है वो यहाँ फंस जाता है, ऐसी परंपरा बताई जाती है यहाँ। और बहुत ही सुंदर ये दर्शन कर रहे हैं डाली बाई का कंगना। कभी भी आप अगर यहाँ से पदार ना हो तो ज़रूर रामदेव जी के मंदिर में आएँ, तो इस डाली बाई के मंदिर के इस कंगने में ज़रूर निकलें। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये आप नज़ारा देख रहे हैं मुख्य मंदिर रामदेवरा का, और ये डाली बाई का बहुत ही सुंदर यहाँ पर देखिए ये डाली बाई का जो झूला है वो बताया हुआ है। और ये डाली बाई का मंदिर है, रामदेवरा के अंदर ही है। मंदिर के अंदर आप दर्शन करेंगे तो ये आप दर्शन वहाँ हमेशा आपको मिलेंगे, ये डाली बाई का झूला। और फिर आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रामदेव जी के मंदिर का आपको परिसर बता रहे हैं। और यहाँ पर भी परिसर में ये देखिए वंशावली यहाँ पर रामदेव जी के परिवार की, और कितने पीढ़ी पहले रामदेव जी का परिवार हुआ और उनके बाद कितना उनका परिवार आगे, ये रामदेव जी का बड़ा जो नगाड़ा यहाँ पर जो भी आते हैं जरूर ये नगाड़ा बजाते हैं यहाँ पर। और फिर नगाड़ा बजाने के बाद में आगे चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं राम सागर का, जहाँ पर लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने माता पिता के चरणों को यहाँ पर धोते हैं और अपने किए हुए पाप कर्म का भी पछतावा करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर जितने भी यहाँ लोग आते हैं वो जल जरूर भगवान को चढ़ाते हैं। और ये बहुत ही देखिए दोहरा धरती में बना हुआ ये राम सागर रामदेव जी के रामदेवरा में, और यहाँ पर नावें चलती है, भक्त लोग यहाँ पर्यटक के रूप में भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सरोवर जो को रामदेवरा मायने तालाब है, और अठे रामदेव जी के परचे पानी ने
उत्पन्न करियो और अटे जिन टाइम आप भादवेर महीने अगर आवो नहीं तो लाखों लाखों की संख्या में लोग इस सरोवर मत आवे, डुबकी लगावे और सूरज भगवान ने जल चढ़ावे और रामदेव जी ने याद करे तो वह दर्शन कर रिया हो। कितो सुंदर नजारो आप देख रिया हो। धीरे धीरे नावा चल रही है और जगह भी यात्री आ रिया है, वह अटे थोड़ी सी सागर मायने घूम पर भी आनंद ले रिया है और सरोवरों जल सूर्य भगवान ने चढ़ान भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रिया है। बहुत ही सुंदर आप नजारो देख रिया हो। रामदेव रा मायने जो को राम सरोवर बन रियो है इरा दर्शन आप कर रिया हो। यह है रामदेवरा में पर्चा बावड़ी, जहां पर बताया जाता है सैकड़ों साल पहले ये रामदेव जी के द्वारा चमत्कार से यहां पर पानी लाया गया और यहां पर एक ऐतिहासिक उनके चमत्कार की घटना बताई हुई है। आइए दर्शन करवाते हैं। पर्चा बावड़ी, पर्चा बावड़ी नामो रामदेवरा मायने बहुत ऐतिहासिक स्थल है। रामदेव जी प्रसाद समझ पर और बिने ग्रहण करे और भगवान को प्रार्थना करे। बतावे कि जका भी रामदेव रावे बाने पर्चा नाडी रा दर्शन करन जाना जोईजे और अठे जका मनु मनोकामनाएं करन जावे बा रामदेव जी बारी पूरी करे और गरीबा रा देवता तो आपने ठाई है रामदेव जी है और जका। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। ये बनी हुई है पर्चा बावड़ी, बहुत गहराई के अंदर पर्चा बावड़ी है और जब हम बावड़ी के दर्शन करते हैं तो यहाँ पर ये छोटे रूप में एक मंदिर बना हुआ है और इस बावड़ी को अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है कि कोई भी कोई घटनाक्रम ना हो और बहुत पुरानी ऐतिहासिक ये बावड़ी बनी हुई है राम। और अब हम आ गए हैं रुणेचा, जो रामदेवरा में रामदेव जी की कर्म भूमि रहा है और ये यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर। अब आज जगह मैं खड़ो हूँ और है रुणेचा गांव, जो को आपा क्या करानी रामदेव जी रुणेचा वाला तो वो रुणेचो ओ है और रामदेव रे मायने रामदेव जी री समाधि स्थल है और अटे रामदेव जी री कर्म भूमि री है। रामदेव जी रो जन्म तो ऊंडू काश्मीर बाड़मेर मायने हुयो और अटे रुणेचेर मायने रामदेव जी री कर्म भूमि री अटो की पर्चा दिया और रामदेव रे मायने समाधि स्थल है। बहुत ही सुंदर दर्शन कर रिया हो आप रुणेचा धामो और अबार मैं खड़ो हूँ अटे रुणेचा धाम माते इनी तरह खूब सारा आपने दर्शन कराऊंगा। रुणेचा के अंदर ही ये बना हुआ है, देखिए रामदेव जी का धुणा जहाँ पर रामदेव जी की हमेशा आरती होती है और ये रुणेचे के अंदर बना हुआ है कुआ, दो प्राचीन कुआ बना हुआ है जो यहाँ पर लोग आते हैं तो देखते जरूर हैं और बहुत ही शानदार ये परिसर देख रहे हैं। रुणेचा जो रामदेव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है रुणेचा गाँव और यहाँ पर रामदेव जी की कर्म भूमि रहा है, बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं आप रुणेचे का और आप घर बैठे पूरे रामदेव रे के दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर रामदेव जी की समाधि स्थल राम सागर फिर रुणेचा और अभी मैं आपको यहाँ दर्शन करवाने के बाद में जाऊँगा पंच पिंपली जहाँ पर पांच पीरों को पर्चा दिया था रामदेव जी ने और ये वही जगह है पंच पिंपली। बहुत ही सुंदर आप तक पांच पिंपला के नाम से ये प्रसिद्ध जगह है और बहुत पुराना जब रामदेव जी के जीवन काल में ये जुड़ा हुआ ये देखिए पंच पिंपला है और यहाँ पर बहुत भव्य एक अच्छा मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर हमेशा पूजा होती है और ये आप दर्शन कर रहे हैं पंच पिंपला जो रामदेवरा से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एक भव्य छोटा मंदिर भी बना हुआ है, देखिए ये रामदेव जी और बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं आप पंच पिंपला से। और इसी तरह मैं पूरे राजस्थान में घूम के सब जगह आपको दर्शन करवाऊंगा और ये दर्शन कर रहे हैं आप देखिए ड्रोन से लिया गया रामदेव रे का सीन, बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं रामदेवरा, ऊपर से रामदेवरा कैसा दिखता है देखिए ये बहुत बड़ा विशाल जो आपको दिख रहा है रामदेवराव का मंदिर, ये रामदेवरा का गांव देख रहे हैं आप, बहुत ही भव्य और सुंदर रामदेवरा का गांव है, यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस बार कोरोना काल के कारण बहुत कम लोग भी आ रहे हैं और मंदिर भी अभी नवंबर में 2 महीने हुए हैं सहित खुले हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं रामदेवरे के। तो आइए आगे चलते हैं और खूब सारे आपको वीडियो बताऊंगा राजस्थान जर्नी चैनल पर। धन्यवाद।